अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। फूडी सरेटी में आज एक नई रेसिपी ज़र्दा के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब ये ज़र्दा तैयार होता है। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। ज़र्दा बनाने के लिए हमारे पास यहाँ सैलन चावल है, जो कि एक पाव ये चावल है। इन्हें मैंने 2-2.5 घंटे से पानी के अंदर जो है वो भिगो लिया था। इसके अलावा हमारे पास एक पाव चीनी है, जो एक पाव से ये कुछ थोड़ी सी जो है वो कम है। और यहाँ पे हमारे पास अशरफी मुरब्बा है, जो कि ग्रीन और रेड कलर का है। थोड़े से इसमें बादाम हैं, जिनको छिलका उतारने के बाद, बॉयल करने के बाद छिलका उतारा है और फिर इसको इस तरह से एक बादाम में से दो इसके हिस्से कर लिए हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ थोड़ी सी किशमिश है, नारियल है, एक अदद हमारे पास बॉयल एग है जिसको स्लाइस में कटिंग कर लिया है, और 3 अदद इलायची हैं। फूड कलर के अलावा इस वक्त ये तमाम चीज़ें हैं। अब सबसे पहले हम चावल को बॉयल करते हैं। यहाँ देखिए मैं पानी गर्म हो रहा है, इस गर्म पानी के अंदर हम चावल डाल देंगे। इनको अब बॉयल होने देते हैं। तकरीबन 15 मिनट में चावल जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से ये गल चुके हैं, तकरीबन गलने के करीब हैं। अब इनका पानी जो है वो मैं ड्रेन कर देती हूँ। यहाँ देखिए में हम 1/4 कप ऑयल डालेंगे और इसमें इलायची डाल देंगे। इलायची बहुत अच्छी तरह से इसमें ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब इसमें हम ये चीनी डाल देंगे और इसमें 1/4 कप से भी थोड़ा पानी डालेंगे। तकरीबन 5-6 मिनट हो गए हैं चीनी को इसके अंदर पकते हुए पानी के साथ। इसमें हम ये नारियल और किशमिश डाल देंगे। ज़रा सा इसको पकाएंगे। शीरा बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब इसमें जो चावल अभी बॉयल किए हैं वो ये सारे चावल डाल देंगे। अभी चीनी का जो थोड़ा सा पानी है वो इसमें बाकी है, इसको तेज़ आंच पे खुश कर लेते हैं। चीनी का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून के अंदर 1 चुटकी जर्दी रंग जो है वो इसके अंदर दूध में मिक्स कर लिया है। ये हम थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे। इसी तरह से 1 टेबल स्पून के अंदर ज़रा सा ये लाल रंग जो है वो 1 चुटकी इसमें भिगो दिया था, ये भी मैं इसमें डालूँगी। ग्रीन कलर, चावल को अब दम पे रख देंगे। चावल को दम लगाए हुए 10 मिनट हो गए। इसमें थोड़े सा हम एक साइड पर दूध डाल देंगे। दूध डालने से इसमें बहुत अच्छा जायका आता है। और इसको दोबारा ढक देंगे। ज़्यादा बिल्कुल तैयार है। दूध डालने के बाद 10 मिनट मज़ीद दम पे रखा है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ज़र्दा बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस ये ज़र्दा तैयार होता है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।